सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को आत्मा से चलाए चलना इस श्रृंखला में मैं स्वागत भी करता हूं। आज का मनन के लिए हम एक पद दूसरा कुरिंदियों की पत्री उसका पांचवा अध्याय की 16वां पद में से पढ़ूंगा। दूसरा कुरिंदियों की पत्री पांचवा अध्याय की 16वां पद में हम पढ़ते हैं, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। वहाँ पे बताते हैं अब से हम किसी को भी शरीर के अनुसार ना समझेंगे। और नीचे जब हम उसका 17वां पद को जब पढ़ूं वहाँ पे लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है वो एक नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। प्रियो ये वचन हम बहुत बार सुन चुका होगा, एक वचन है। वहाँ पे जो 16वां पद में ये बताया, अब मैं शरीर के अनुसार किसी को भी नहीं जानेंगे, किसी को भी नहीं पहचानेंगे। और 17वां पद में बताया है जो कोई व्यक्ति प्रभु में है वो एक नई सृष्टि है। देखो वहाँ पे हम देखें दो विचार वहाँ पे एक देख सकता है, हमारे जीवन में आते हुए हर परिस्थितियों को हम दो तरीके से दो विचारों में से देख सकता है। पहले तरीका क्या है, अपने शरीर के अनुसार जानना, शरीर के अनुसार उसको पहचानना। और दूसरी तरीका ये है जो प्रभु में है, नई सृष्टि की नज़रों से, एक नई सृष्टि की अंगों से, आत्मा से उसको पहचानना। ये जो तरीका, ये दोनों तरीका हम सबों को प्रभु में है प्रियो, लेकिन हमको इसमें से चुनना है। इसमें जो उत्तम बात जो है, हमको इस बात को चुनना जरूरी है कि हम इसमें से कौन सा विचार से अपनी जीवन को आगे लेके चले। प्रियो अगर हम शरीर के अनुसार कोई भी व्यक्ति को देखें, हम ये सोचेंगे कि उस व्यक्ति से मेरा क्या लाभ होगा, उनकी कमियों को हम पहले देखेंगे, उस व्यक्ति से बात करने के लिए या समय बिताने के लिए मुझे क्या मिलेगा, वो हर एक बातें शरीर के अनुसार ही हम समझेंगे। लेकिन वही मौका वही परिस्थिति अगर हम मसीह में होकर के उस व्यक्ति से बर्ताव करेंगे, मसीह का प्रेम से हम उनसे बात कर सकेंगे और मसीह में मैं उनको जीत सकूंगा। प्रियो मैं इतना आपको इससे जुड़ी हुई बताना चाहते हैं, जो हर एक परिस्थिति हमारे जीवन में जो आते हैं हम ये दोनों विचारों में से उसको निपट सकता है, ये दोनों विचार में से हम उनका बर्ताव कर सकते हैं। प्रियो अभी समझो एक उदाहरण बताएगा, तो एक ऑटो वाला हमसे 10 रुपये ज़्यादा मांगा, एक ऑटो वाले हमसे 10 रुपये। वही मौके को अगर हम शारीरिक रीति से देखेगा वहाँ पे गुस्सा होगा, नफरत होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा डाक, वो सब कुछ वो मौके में होगा। लेकिन एक पल जो प्रभु हमको दिया हुआ उस पहचान, प्रभु ने हमको दिया हुआ उस अस्तित्व, वो क्या है वो अस्तित्व में एक नया सृष्टि हूँ प्रभु में आत्मा में, उन्होंने मुझे दोबारा जन्म दिया। उस आत्मा की दृष्टि में, नजरे में से मैं वही परिस्थिति को देखेगा उस ऑटो वाले का हृदय को मैं जीतूंगा और वही व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता पाऊंगा। प्रियो इसलिए हमारे जीवन में आते हुए हर परिस्थितियों को हम इन दो विचारों से निपट सकता है। पहला तरीका ये था शरीर के अनुसार उनको समझना, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए योग्य नहीं है। बल्कि हर मौकाओं को जो एक आत्मिक व्यक्ति की दृष्टि में से देख करके वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की खुशबू को फैलाने वाला, जो प्रभु यीशु मसीह को जीवन को उत्पन्न कराने वाला, एक निशानी वहाँ पे छोड़ने वाला जैसा मौकाओं में उन बातों को बदलाए, ये प्रभु हमारे जीवन के द्वारा यही चाहते हैं। प्रियो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।